ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا كتب له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا كتب له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إلهي قدر حاضرين وسامعين، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے بنا کر مرکب کر کے جوڑ کر کے پیدا فرمایا. انسان میں ایک جسمانی طاقت ہے اور دوسرا انسان میں روحانی طاقت ہے، یا یوں کہہ لیجیے انسان میں ایک جسم ہے اور دوسرا انسان میں روح. آدمی ان دونوں چیزوں سے مل کر کرتا ہے. اگر انسان کے جسم سے روح کو نکال دیا جائے تو یہ انسان پھر مردہ کہلاتا ہے، پھر یہ مرا ہوا ہے. یہ دیکھنے سے، سننے سے، بولنے سے عاجز آ گیا. اسی طرح سے انسان کی جو دو صلاحیتیں ہیں، جسمانی طاقت اور روحانی طاقت، ان دونوں طاقتوں میں سے ایک طاقت اگر اوپر ہو جائے، غالب آ جائے، تو دوسری طاقت کمزور پڑ جائے، اور دوسری اگر غالب آ جائے تو پہلے والی طاقت کمزور پڑ جائے. کسی بھی کمزور چیز کو طاقتور بنانے کے لیے غذا کی ضرورت پڑتی ہے. غذا کھانے سے کمزور جسم طاقتور بنتا ہے. بالکل اسی طرح سے آدمی کے اندر جو روحانی طاقت ہے، یہ روحانی طاقت بھی کمزور پڑتی ہے، اور اس کمزوری کی بھی اللہ پاک نے غذا پیدا کر. جسمانی طاقت کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بھی غذا موجود ہے، روحانی طاقت کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بھی اللہ نے غذا بنائی. دونوں کی غذائیں اللہ پاک نے متعین فرما دی. جسمانی طاقت، اس کو حیوانی طاقت بھی کہا جاتا ہے.
रहीमी ताकत भी कहा जाता है। जिस्मानी ताकत, रहीमी ताकत, हैवानी ताकत, इससे क्या मुराद है कि इंसान के अंदर जब हैवानी ताकत रूज पर आती है और हैवानी ताकत आदमी के अंदर बुलंद होती है, गालिब होती है, तो आदमी के अंदर जानवरों की आदत आना शुरू हो जाती है। आदमी में जानवरों की आदत अतवार आना शुरू हो जाती है। और जब इंसान के अंदर रूहानी ताकत गालिब आती है, ताकतवर हो जाती है, तो फिर इंसान से जानवरों की आदत निकलना शुरू हो जाती है, आदमी में फरिश्तों की सिफात आना शुरू हो जाती है। ये दोनों चीजों में इम्तिहान है इस इंसान की जिंदगी में, जिस्मानी ताकत भी है, रूहानी ताकत भी है। लेकिन कामयाब तरीन इंसान जब बनता है कि जब इस इंसान की रूहानी ताकत ऊपर रहे, जिस्मानी ताकत कमजोर रहे। और जिस दिन इसकी जिस्मानी ताकत, हैवानी ताकत गालिब आ गई, ऊपर आ गई, ताकतवर हो गई, और रूहानी ताकत कमजोर हो गई, तो फिर ये इंसान जहन्नम का ईंधन बनना शुरू हो जाता है, जन्नत के रास्ते से हट गया। मिसाल के तौर पर हैवान की आदत क्या है, एक जानवर किसी आदमी के ठेले के पास से गुजरता है, एक आदमी ने सब्जी फल फ्रूट का ठेला लगाया हुआ है, सब्जी हरी हरी सब्जी वहां रखी मौजूद है और ताजा सब्जी रखी मौजूद है, हैवान वहां से जब गुजरता है उसे ये नहीं एहसास और शुरूर कि ये सब्जी जिस मालिक ने यहां सजाई है और जिसने ठेला ये सजाया है, उस वो आदमी इस सब्जी के जरिए से अपने बच्चों का पेट पालेगा, उसे ये शुरू नहीं। उसका काम क्या है, वहां से गुजरते हुए सब्जी को मुंह मारेगा, जितनी चाहेगा वो खाएगा, कुछ वो जया कर देगा। ये किसकी आदत है, हैवान की आदत, ये जानवर की आदत है। उसके अंदर ये शुरू नहीं है कि मैं किसी की चीज को जाया करूं, किसी के पेड़ को क्यों काटूं, ये शुरू उसमें। एक आदमी वहां से गुजरता है, मालिक नहीं है, यानी ठेले का मालिक वहां पास खड़ा नहीं, चुपके से ये वहां से चोरी कर लेता है और ये सब्जी का कुछ हिस्सा उठा के अपने पास रख लेता है और ले जाता है और उससे अपनी जरूरत को पूरा करता है, अपने पेट को पालता है, बच्चों के पेट को पालता है। तो जिस तरह से वो पहले चार पैरों वाला हैवान गुजरा, उसने भी उस सब्जी के ठेले से मुंह मारा और अपना पेट पालने की कोशिश की, इसी तरह से ये दो टांगों वाला इंसान जिसको हम कहते हैं, ये वहां से गुजरा, इसने भी वही काम किया, तो इसकी आदत और उसकी आदत दोनों एक। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर हैवानी आदत आज भी है। नंबर दो, एक हैवान किसी पानी के नाले से गुजरता है, वो ये नहीं देखता कि ये साफ है, सुथरा है, पाकीजा है, कहां से आया, क्या है, इस फर्क किए बगैर, हराम पाकीजा का फर्क किए बगैर वो अपनी प्यास उससे बुझाता है। और एक आदमी भी अगर किसी किस्म की जगह से गुजरता है और उसे दूसरे की चीज नजर आती है, पानी मिल गया है, और उस पानी से अपनी प्यास को बुझाता है और जरूरत को पूरा करता है, तो उस हैवान में, इस हैवान में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों बराबर होते। नंबर तीन, एक जानवर किसी कहीं से गुजरता है और वो जानवर देखेगा कि उसकी हम जिन्स, उसके जिन्स का एक जानवर वहां तड़प रहा है, भूख से बिलबिला रहा है, किसी वजह से वो तड़प रहा है, ये कुछ लम्हे के लिए तवक्को करेगा, देखेगा, देखकर चल पड़ेगा, इसे एहसास और शुरू नहीं होगा।
बिल्कुल इसी तरह से जब ये इंसान इस तरह से गुजर जाए और किसी को जुल्म और ज्यादती का शिकार होता हुआ देखे और किसी को तड़पता हुआ देखे और तड़पता हुआ देखकर उसके लिए कोई गमखारी की मेहनत और कोशिश न करे और अपनी जान को, अपने माल को, अपनी सलाहियत को, उसकी जान को बचाने के लिए सर्फ न करे, तो वो हैवान और ये हराम दोनों बराबर है। क्यों? आप समझ लीजिए कि इस इंसान ने जब जानवरों वाली आदतें गालिब हो जाती हैं तो फिर ऐसे करता है। और समझिए दो तीन मिसालें, जो आप मेरी तरफ फरमाएं, थोड़ी सी बात होती है तो फिर एक और जहन नशीन फरमा लीजिए। दरिंदा, शेर, चीता, भेड़िया, वो चलते हुए अगर उसे जंगल में कोई हिरन, कोई बकरी नजर आ जाए और कोई दूसरा जानवर नजर आ जाए, तो ये चीता, भेड़िया, ये हैवान, ये दरिंदा अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए उसकी जान पर हमला आवर हो जाता है। इसे ये तरद्दुद नहीं है कि जिस पर मैं हमला आवर हो रहा हूं वो भी किसी का बच्चा होगा, वो भी किसी का बाप हो सकता है, वो भी किसी की माँ हो सकती है, उसके बिल बिलाते बच्चे पास में तड़प तड़प के माँ की जान को निकलता देख रहे हैं। इस दरिंदे को एहसास नहीं है कि दूसरे की जान जा रही है। क्यों? इसलिए कि ये है कौन, इसमें ये शुरू ही नहीं है। तो ये क्या करेगा? अगर इंसान अपना पेट पालने के लिए और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए दूसरे की जान के दर पे होता है, दूसरे के माल के दर पे होता है, दूसरे की इज्जत के दर पे होता है और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए दूसरे की जान को ले लेता है, तो फिर इस हैवान में और उस जंगल वाले हैवान में कोई फर्क नहीं। पांचवी मिसाल, सांप और बिच्छू है, वो गुजरते हुए उसका काम है आदमी को ढसना और ढसने से उसका पेट नहीं भरता, ढसने से उसकी भूख खत्म नहीं होती, लेकिन उसका मिजाज है मूजी होना, अजियत देना, दूसरे को तकलीफ पहुंचाना। उसे पता है मेरी खुराक ढसने में नहीं है, उसे पता है कि मेरा पेट इससे नहीं भरेगा, लेकिन उसका मिजाज है दूसरे को ढसना, दूसरे को अजियत देना। अगर एक इंसान का मिजाज भी यही बन जाए, हमेशा से दूसरे को अजियत देता है, दूसरे को तकलीफ देता है, दूसरे के लिए बूझी बन जाता है, ढसना शुरू करता है, और इस ढसने से इसका अपना फायदा हो या ना हो, बस दूसरे को ढसना मकसूद है, तो फिर इस हैवान में और उसमें कोई फर्क नहीं। मेरे दोस्तों, लोगों, इन पांच मिसालों के बाद मैं अब मकसद की बात मुझे जो करनी है वो ये कि इंसान के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने ये दोनों सलाहियतें रखी हैं, जानवरों वाली सलाहियतें भी और फरिश्तों वाली सलाहियतें, और इंसान की कीमत अल्लाह के यहां जब लगती है कि जब इसके अंदर फरिश्तों वाली सिफात पैदा हो जाए। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो मुबारक दीन लेकर आए हैं, जो वही आसमान से लेकर आए, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो वही लेके प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास उतरे और आपके कंधे अतहर पर उस वही को नाजिल किया जिसको हम कुरान कहते हैं, ये कुरान मजीद उस रूह की फिजा है। इधर जिस्म को हिजाब देते रहो, खिलाते रहो, खिलाते रहो, खिलाते रहो, नतीजा ये निकलेगा कि इसके अंदर जानवरों और हैवानों की आदतें पैदा होना शुरू हो गई। और जिस दिन आपने इसकी हिजाब को कम कर दिया, रूह की हिजाब को आपने बढ़ा दिया, अल्लाह के अहकाम पर अमल करना आपने शुरू किया, तिलावत की पाबंदी आपने करना शुरू कर दी, गुनाहों से बचना आपने शुरू कर दिया, आपके अंदर फरिश्तों की आदत पैदा होना शुरू है। फरिश्तों की आदत क्या है? सबसे पहली
नमाया तरीन होगी ये फालू नमाल युग मरूल फरिश्ते वो काम करते हैं जिसका अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया है उस काम को कभी भी नहीं छोड़ते। इताअत गुजारी फरमा बरदारी किसकी सिफत है? फरिश्तों की। किसकी खूबी है? मलाइका। अब मैं इस बात को समझाने के लिए एक मिसाल बोल रहा हूं। अरब में जब लड़ाइयां और जंगें होती थी तो वो अपने घोड़ों को सुधाते थे, अपने घोड़ों को खास तरीके से पालते थे और वो घोड़ों को एक दिन दो दिन ढाई तीन दिन भूखा रखते थे, बहुत मामूली गिजा देते थे और थोड़ी सी गिजा देकर उनको भूखा रखने का, भूख का, प्यास का आदि बनाते थे। क्यों? ताकि ये मैदान जंग में अय्यल न साबित हो, इताअत गुजार साबित हो। जब ये खाने का आदि बन जाएगा तो लम्हा ब लम्हा वहां ये खाने का तकाजा करेगा, ये खाने का तकाजा करेगा, ये पीने का तकाजा करेगा, ये अपनी जिंसी हाजत को पूरा करने का तकाजा करेगा, तो वो जो मकसद है लड़ाई के अंदर वो रह जाएगा। इसलिए वो घोड़ों को खाने से, पीने से और अपनी मादा से बहुत दूर रखते थे। ये तरबियत का हिस्सा था घोड़ों का। बिल्कुल मेरे अजीज दोस्तों और ससुर को इसी तरह से रमजान का महीना ही है। चाहिए तो ये था कि पूरा साल हमारी कुव्वत रूहानी गालिब रहती और जिस्मानी ताकत जिस्म जमीन से आया है और इसकी सारी की सारी खुराकें जमीन से आती है। खाना पीना चाहे सब्जी हो, गंदम हो, आटा है, गोश्त है, जो चीज आप खाते हैं बिल वास्ता बिला वास्ता जमीन से। और जो रूह है ये रूह ऊपर से आई है और रूह की गिजा भी ऊपर से ही आई है। और जब आप जिस्म की ताकत और चीजों को खाते हैं तो जिस्म जमीन की तरफ पस्त होना शुरू होता है, पस्ती की तरफ जाता है, जिल्लत की तरफ जाता है, खारी की तरफ जाता है। जितना इसको ताकतवर बनाओगे इसके अंदर से हमदर्दी के जज्बात रुखसत होना शुरू हो जाएंगे, खैरखाही के जज्बात खत्म होना शुरू हो जाएंगे, एक इंसान को तड़पता देखकर नरम होने की जो जज्बात है वो अंदर से खत्म होना शुरू हो जाए। ये फस्ती है। और लेकिन अगर इसको आपने एतदाल में रखेंगे, जितनी आपने इसके जिस्म को खुराक दी है, जिस्मानी खुराक दी है, उसी तनासब से आप रूहानी खुराक भी इसको देंगे तो ये ठीक ठीक चलेगा, ये सही चलेगा। फिर नमाज में आपको जी लगने लगेगा, फिर आप नमाज इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि फर्ज है, नहीं, नमाज पढ़ने में आपको लुत्फ आएगा। फिर आप ज़कात इसलिए नहीं देंगे कि ज़कात ये फरीजा है, नहीं, किसी गरीब की हमदर्दी और उसकी खैर खबर लेकर उसकी जरूरत को पूरा करके आपको लुत्फ आएगा, मजा आएगा, ईमानी लज्जत नसीब होगी। और वो जिस कदर छुप कर आप रात की तारीकी में उसको पता ही ना चले कि किसने दिया है, जितना आप छुप कर उसको देकर आएंगे इतना आपको लुत्फ और मजा आएगा। क्यों? रूहानी ताकत आपके पास है। ये रूहानी ताकत ऊपर है, ये रूहानी ताकत का गलबा है। मलाइका इस दुनिया में अल्लाह ने उन्हें बनाया, उन्हें पैदा फरमाया इंसानों की मुख्तलिफ मददों के लिए, गाहे बगाहे वो दुनिया में आते हैं। कभी फरिश्ता मदद करते नजर नहीं आता, कभी मदद करके वो आपसे अपनी मदा और तारीफ नहीं चाहता, कभी वो वाह वाह अपनी नहीं चाहता कि आप उसकी वाह वाह करें जी आपने मुश्किल में मेरी मदद की। ये फरिश्तों वाली आदात फिर इंसान के अंदर आना शुरू हो जाती हैं। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन की जिंदगियों में ये आदतें, अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत जिंदगी थी, क्या खूबसूरत जिंदगी थी। वहां सूरत हाल हमें तो मेहनत करके, कोशिश करके, मिन्नत करके, समाजत करके अपने आप को नमाज के लिए, रोजे के लिए, अहकाम के लिए तैयार करना पड़ता है। वहां ये हाल हो गया था कि रूहानी ताकत इतने उरूज पर थी
कि नफसानी और हैवानी तकाजों के ख्याल तक नहीं आते, ख्याल तक नहीं आते। जी बात रूहानी गलबा देखिए, इसकी मिसाल एक शख्स की इबादत के मुताबिक एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर, कह लगे रसूल ये मेरा बेटा है, और इसकी बीवी ने एक शिकायत की, इसकी बीवी ने शिकायत की, क्या शिकायत की, इसकी बीवी ने ये शिकायत की है ये रात को बहुत लंबी लंबी नमाजें पढ़ता है, सारा दिन ये रोजा रखता है, सारी रात नमाज पढ़ता है और सारा दिन ये रोजा रखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत उसकी इस शिकायत को समझ गए, आप अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को बुलाया और बुलाकर इरशाद फरमाया कि तेरा तेरे जिस्म पर भी हक है, तेरा तेरी बीवी पर भी हक है, और तेरा रब पर भी हक है, और अपनी आंखों पर भी हक है, कुछ अपने पर रहम करो, कुछ अपने रब का हक अदा करो, कुछ अपनी बीवी का हक अदा करो, कुछ अपने जिस्म का हक अदा करो, कुछ राहत आराम भी कर लिया करो। आप इशारा समझ रहे हैं क्या मकसद था कि रात को इसने बीवी का हक नहीं अदा किया। मैं अर्ज कर रहा हूं कि रूहानी ताकत इतनी गलबे पर पहुंच चुकी थी कि जो जिस्मानी ख्यालात हैं, हैवानी ख्यालात हैं, वो ख्यालात तक भी नहीं आते। और ये कोई किस्सा और वाकया, ये कोई मांस फर्जी नहीं है, हकीकत है। और ये सहाबी रसूल का जो किस्सा और वाकया, ये पहली रात का वाकया है, पहली रात है। अभी से ये कहता है कि मैं दो रकात नमाज नफिल पढ़ लेता हूं, फिर हम मिल बैठते हैं, फिर बातचीत करें। उस अल्लाह के बंदे ने दो रकात नमाज नफिल की क्या नियत बांधी कि फजर का वक्त हो गया, फजर का वक्त, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैं अर्ज कर रहा हूं वो अंदर शुरूर और एहसास ही नहीं रहा कि मैं कहां हूं और मैं किस रात में हूं और मेरे बराबर में कौन, यह है रूहानी ताकत। इसी किस्म का एक और वाकया, हज़रत उमर खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक वाकया आया। एक औरत आके कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन मैं अपने शोहर की कुछ शिकायत लेके आई हूं। हमारा जी बोलिए, उस औरत ने कहा कि मेरा शोहर वो क़ियामुल लैल करता है और सायमुल दहर है, सारी रात क़ियाम करता है, बड़े बड़े लंबे नफिल पढ़ता है और लंबी लंबी रकातें हैं, लंबा क़ियाम है उसका, सारा दिन रोजा रखता है। रज़ी अल्लाह तआला फरमान तो क्या लोग माशाल्लाह बहुत मुबारक आती है, तो आपको बहुत अच्छा शोहर मिले। फिर थोड़ी देर बाद फिर उसने यही सवाल कराया कि मेरे मोमिनीन में शिकायत करती हूं अपने शोहर के मुताबिक कि वो बहुत लंबा लंबा रात को क़ियाम करता है और सारा दिन वो रोजा रखता है। फिर कहा माशाल्लाह मुबारक हो, बहुत अच्छी बात है। फिर तीसरी मरतबा उसने यही कहा, वो यही जुमले दोहरा रही है। हज़रत उमर का जहन जा ही नहीं रहा उधर, क्यों, जहनों की सफाई देखी, जहनों की रोशनी देखी, जहनों में क्या चीज हर वक्त मरकूज है, रूहानी ताकत, रूहानी ताकत, अल्लाह से कुर्ब, अल्लाह से मुलाकात, अल्लाह से मुनाजात, रातों का क़याम, हर वक्त जहन में ये ख्याल, दूसरी तरफ जहन जा ही नहीं रहा। उबैद बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए थे, काबिरुल मुरीन अल्लाह आप पर रहम फरमाए, आप इस औरत की शिकायत नहीं समझे, यही तो कह रही है कि उसका शोहर रोज रात को लंबे लंबे क़याम करता है और सारा दिन इबादत, शिकायत की क्या बात है, इसको अच्छी बात का नहीं है। अमीरुल मोमिनीन ये कहना चाह रही है कि इसका शोहर इसका हक नहीं अदा करता, ये शिकायत का है कह रही है, और शर्म की वजह से ये बोल नहीं पा रही है,
हतमा रजी अल्लाह ताला उनका, अच्छा मेरा जहन तो सिर्फ क्या ही है, ये है पाक रूह, ये है पाकीजा रूह, ये है तय्यब रूह, ये है खूबसूरत संवरी हुई रूह, और ये वो रूह है कि जिसके अंदर नेकी का कलम है, जिसमें हैवानी आदत सिफत का कोई ख्याल ही नहीं, और बुलाया उसको, शोहर को बुलाया और बुलाकर फिर उसको समझाया कि आपकी बीवी ने आपके मुकाबले की ये शिकायत की। मेरा भी दोस्तों को अर्ज करने का मकसद ये है, ये तो शिकायत आती थी सारी रात इबादत करता रहता है, कभी किसी सहाबिया से उस जमाने में कोई ये शिकायत मनकूल नहीं है कि ये नमाज नहीं पढ़ता, ये हराम खाता है, ये चोरी करता है, ये शिकायत नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, अब मुबारक महीना रमजान का जो आ रहा है वो इसीलिए आया है और उसका मकसद ये है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम अपनी रूहानी ताकत को ऊपर ले आओ और अपनी जिस्मानी खुराकों को कम कर दो। ये चाहिए तो ये था कि पूरा साल हमारा ये निजाम बनता, पूरा साल ये निजाम बनता, लेकिन उस अल्लाह करीम ने, अल्लाह मेहरबान ने, अल्लाह रहमान और रहीम ने ये देखा कि मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं जो पूरा साल अपनी जिस्मानी ताकत को बढ़ाने की मेहनत में लगे रहते हैं और रूहानी ताकत का एक नुस्खा भी नहीं इस्तेमाल करते। अल्लाह करीम है, अल्लाह मगफरत करना चाहता है, अल्लाह बख्शना चाहता है, अल्लाह जन्नत का फैसला करना चाहता है, अल्लाह ने यूं इरादा फरमाया, चलो एक महीना में आपके लिए खुसूसी इंतजाम कर लेता हूं। एक डॉक्टर ने, एक तबीब ने और माहिर डॉक्टर ने अपने मरीज से यूं कहता है या कहा कि देखो ये गिजार नहीं खाना, ये खाना ताकत मिलेगी, वो जो मुजर गिजाएं थी वो खाता रहा, फिर एक माह की कुछ ऐसी दवाइयां तजवीज की गई हैं, वो डॉक्टर ये कहता है कि अब तो तुम समझ लो कि मौत के करीब आ गए हो, लेकिन चलो मैं एक और ट्राई और कोशिश कर लेता हूं कि ये एक माह की आपको ऐसी दवा दे रहा हूं, ऐसी दवा दे रहा हूं कि जिस दवा को आपसे पहले करोड़ों लोगों ने इस्तेमाल किया और उनको फायदा। ऐसे ही अल्लाह कह रहा है कुतिब अलैकुमुस सियाम कमा कुतिब अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये रोजे तुम्हारे ऊपर मैं फर्ज कर रहा हूं, ये सिर्फ तुम्हारे ऊपर नहीं, तुमसे पहले हजारों पर फर्ज थे, करोड़ों की तादाद में लोगों ने रोजे रखे, और ये वो अजीम तरीन नुस्खा है कि इस नुस्खे के उसे सबको फायदा हुआ है और रूहानी ताकत ऊपर आई है और फरिश्तों की आदत अंदर मुंतकिल हुई है, और ये सुबह से लेकर जब शाम तक भूखा रहा तो गरीब की हमदर्दी का जज्बा इसके दिल में पैदा हुआ है, गरीब की गमखारी का जज्बा इसके दिल के अंदर पैदा हुआ है। हजार बार ये बात कहिए कि हदीस में आता है कि मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है, मोमिन का रिस्क इसलिए नहीं बढ़ा दिया जाता कि इफ्तार में और सहर में खूब दबाकर खाए और रूहानी ताकत को थोड़े कमजोर से कमजोर करता चला जाए, पूरा साल जिस तरह से जिस्मानी गिजाएं खाता रहा जिस्म को मोटा करने के लिए, जिस्म को ताकतवर बनाने के लिए, अब रमजान के महीने में मजीद उसी पर मेहनत हो रही है। इफ्तार में ये भी होना चाहिए, इफ्तार में ये भी होना चाहिए, इफ्तार में ये भी होना चाहिए, तो फायदा क्या रोजे का, क्या मकसद है रोजे का? फिर अल्लाह कह रहा है कि छोड़ दो, और उसने करीम करीमाना उस करीम ने करीमाना उसूल जाबता बताया है कि चलो तुम्हें तुम्हारे लिए मैं खसूसी रियायत करता हूं, जो नुस्खा है इस नुस्खे में मैं इतनी ताकत बढ़ा देता हूं कि तुम एक फर्ज करोगे मैं 70 फर्जों का सवाब होगा, तुम एक नफिल करोगे मैं उसको फर्ज के बराबर ले आऊंगा, और आप जानते हो कि फर्ज और नफिल का कितना फर्क होता है, एक आदमी 2 रकात फजर के फर्ज अदा करता है और 2 रकात नमाज नफिल तहज्जुद के अदा करता है, देखने में दोनों दो रकातें हैं,
दोनों के अंदर बराबर कयाम है, बराबर सजदे हैं, बराबर रुकू हैं, लेकिन इसका फर्क आप इस बात से कर लीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फर्क को यूं समझाया है, यूं बताया और समझाया है कि एक आदमी सारी जिंदगी पैदा होने से लेकर या बालिग होने से लेकर मरते दम तक रोजे रखता रहे, रखता रहे, रखता रहे, फर्ज के एक रोजे को भी नहीं पहुंच सकता। ये फर्क समझ में आया? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने इंफाक खर्च का फर्क समझाया है बड़ी खूबसूरत अंदाज। कोई मुनासबत नहीं है ज़कात जो फर्ज है और जो नकली माल खर्च करता है। पूरी कायनात को जरों से भर दिया जाए, राई के दानों से भर दिया जाए और कोई परिंदा आए और वो जर्रे उठाता रहे, उठाता रहे, उठाता रहे, उठाता रहे, वो सारे जर्रात भरी हुई कायनात के बराबर के जर्रात, वो एक दिरहम सदका, एक दिरहम ज़कात का दिया हुआ उसके बराबर नहीं है, नहीं। फर्ज की कीमत बहुत बुलंद, फर्ज की कीमत बहुत बुलंद, और उस मेहरबान मालिक का एहसान और कुर्बान जाऊं प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी बरकत से ये हमें दीन मिला, कि कोई फर्क नहीं है, ये जमीन आसमान का तकाबल भी नहीं हो सकता फर्ज और नफिल के दरमियान, फिर भी इस दीन में ये कहा गया चलो अगर क़यामत के दिन तुम्हारे फर्ज कम होंगे तो हम नफलों से कोताही नहीं करेंगे। सोचो तो सही, सोचो तो सही, उस मालिक का करम को सोचो। फर्ज रोजे में कोताही हो गई तो हम तुम्हारे नफलों से कोताही को पूरी करेंगे। तो उस मालिक ने ये एहसान किया है कि इस ग़िज़ा की ताकत बढ़ा दी है। कैसे बढ़ा दी है? कि भाई ठीक है, एक रोजा रखेगा तो उसको मैं 70 रोजों का सवाब, और एक फर्ज अदा करेगा 70 फर्जों का सवाब होगा, एक नफिल अदा करेगा फर्जों के बराबर ले आऊंगा, रात का क़याम करेगा, रात का क़याम करेगा सुभान अल्लाह, क़याम लैल करेगा 40 सजदे के करेगा, इसको वो क़ुर्ब अल्लाह अता करेगा जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर बुलाकर 40 रातों में वो क़ुर्ब अल्लाह पाक ने से अता कर, मूसा अलैहिस्सलाम को जैसे मिला, वो नबी हैं, वो रसूल हैं अल्लाह के, उनका बहुत बुलंद मकाम है, लेकिन उस क़ुर्ब का कुछ हिस्सा इस गुनाहगार को, इस खाची और नाफरमान को प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से भी रमजान की हर रात को मिलता है अगर ये 40 से ये कर ले। इसलिए ये महीना अपने आप को बदलने के लिए आया है, ये खाने का महीना नहीं है, ये पीने का महीना नहीं है भाई, ये जिंसी तस्कीन का महीना नहीं है, ये हैवानी आदात का महीना नहीं है भाई। छोड़ो मखलूक से ताल्लुक को, कदा कर दो मखलूक से ताल्लुक। मुझे ये बताइए प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अपने परवरदिगार से कितना बुलंद ताल्लुक है, किसी भी लम्हे ताल्लुक टूटने का तसव्वुर नहीं है, हर लम्हे हर लम्हा अल्लाह पाक से जुड़ा हुआ और अल्लाह पाक से मिले हुए, इसके बावजूद रमजान का महीना आता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज इबादत में इजाफा होता, इबादत ही बदल जाती। आयशा फरमाती है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इबादत का तर्ज बदल जाता बिस्तर को लपेट कर रख देते, अब वो सोना नहीं है। मेल जुल लोगों से इख्तिलाफ कम से कम होता था, बहुत कम इख्तिलाफ होता था, रजब से और शाबान से दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह रमजान की तक मुझे जिंदगी अता फरमा, रमजान तक जिंदगी अता फरमा, रमजान तक जिंदगी अता फरमा, ये दुआएं मांग रहे थे। और ये महीना हर साल गुजर जाता है गफलत में गुजर जाता, जो 11 माह गफलत में गुजारे फिर ये भी गफलत में गुजरा, तो फिर प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील की बद्दुआ पर अमीन क्यों कही है
जिब्रील ने कहा तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए और गर्क हो जाए वो आदमी जो रमजान को पाए और अपने गुनाह न बख्शवा सके। आपने फरमाया आमीन, हो जाए तबाह, बर्बाद हो जाए, मुझे कोई एहसास नहीं है इसके बर्बाद होने का। होने दो, एक वबा आप फैल गई है, कोरोना की वबा निशान ले लीजिए। अल्लाह पाक उम्मती मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए हर किस्म की मूजी अपराध से, और ऐसी कोई बीमारी आ गई हो जो मुहलिक हो, जो जानलेवा बीमारी हो और वाकई रोजमर्रा के मुशाहदे हो कि लोगों की जाने की जाने जा रही हो, हजारों की हजारें लाशें उठ रही हो और फिर सरकार की तरफ से ये ऐलान हो कि दवा तजवीज की गई है, हर घर घर के अंदर आकर कारिंदे आपको पिलाएंगे और वो वाकयातन सरकार भी अपनी रियाया के साथ 100% मुखलिस भी हो, और अगर वो ऐलान करे और फिर इस ऐलान पर अमल हो और कोई आदमी अपने घर का दरवाजा बंद कर ले, मुझे नहीं पिलानी, वो वहां मरे और उसके मरने के बाद कोई ये कहे कि फुला का कसूर है, फुला का कसूर है, अरे उसका अपना कसूर है। इसी तरह से अल्लाह की तरफ से फिजा चल रही है, ये फिजा चलने वाली है। अल्लाह मलाइका को हुक्म देता है रमजान की पहली तारीख को जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दो, जन्नत के दरवाजों को खोल दो और गुमराह करने वाले सारे शयातीन को ले जाके जकड़ दो और ये ऐलान करो और आवाजें लगाओ, या बाजी अल खैर अकबिल व या बाजी अल शर अक्सिल, नेकी करने वाले आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आवाजें लगती है फरिश्तों की तरफ से, और ऐ गुनाह करने वाले वो पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, ये गुनाहों का महीना नहीं है, ये गुनाहों का महीना नहीं, ये शाहरुल्लाह है, ये अल्लाह का महीना है, ये शाहरु रमजान है, ये शाहरु रमजान है, अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, ये कुरान का महीना है, ये अल्लाह का महीना है, ये कुरान का महीना है। तो उस मालिक का एहसान है, एहसान है इस उम्मत पर, फिर भी अगर नहीं कमा सका चलो एक रात और दे देते हैं आखिर की आखिरी हश्र की। क्या क्या एहसानात अल्लाह की इस उम्मत पर हुए, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किरा किया, फला उम्मत 600 साल अल्लाह की इबादत करता है जवान, फला उम्मत का 700 साल इबादत करता है, फला का 800 साल इबादत करता है। ऐ अल्लाह के रसूल, इतनी कलील कलील उम्रें उनको अल्लाह ने दी हैं, इतने लंबे उनके सजदे थे और इतने क़याम थे, इतनी इबादतें थी, हमारी उम्र ही कुल थोड़ी सी है 60 से 70 साल। अल्लाह तबारक तआला ने जिब्रील को भेजा, मेरे महबूब से कहिए आप और आपकी उम्मत गमजदा न हो, हम आपको एक अजीम शान रात अता करने वाले हैं, वो रात तुम्हारे लिए 1000 सालों की इबादत से ज्यादा बढ़कर है। ये है लैलतुल कद्र खैर मिन अल्फ शहर, सुभान अल्लाह, 1000 महीनों से बेहतर है तुम्हारे लिए, और 1000 महीनों की तफसीर भी लिखा है 83 साल की इबादत से बेहतर। हर साल एक आदमी अपनी जिंदगी में 83 साल की इबादत दर्ज करवा सकता है, हर साल अपनी जिंदगी में 83 वर्ष की इबादत को दर्ज करवा सकता है, फिर भी अगर कोई बंद नसीब दर्ज न कराए तो फिर किसी का क्या कसूर। अल्लाह के नबी ने तो ऐसे खूबसूरत असबाब बनाए इस उम्मत के लिए, अल्लाह ने इस उम्मत पर कितना करम फरमाया, इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ रमजान बहुत करीब आ गया है, अपने मशागिल को कम करो, मुख्तसर करो, मेरी जा मशागिल को छोड़ो, फजूलियात को छोड़ो, लघवियात को छोड़ो, अल्लाह की बंदगी पर आ जाओ और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। न मालूम आइंदा साल रमजान में हम जी सके या न जी सके, शायद आइंदा रमजान हमें नसीब, ये हर आदमी को सोचना चाहिए, कितने लोग थे गुज़श्ता रमजान हमारे साथ थे, आज हम कब्रों में चले। इसलिए लम्हात को कीमती समझो, अल्लाह पाक हम सबके लिए बरकत नासिर।